हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मैशर। लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स में से, और कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने चूज किया है डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर के अंदर जो टॉपिक चूज किया वो है फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। तो हम फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जो यूज करते हैं वो है स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन तीनों प्रोटोकॉल्स के ऊपर, जो आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत बार आए हुए हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत बार आए हैं। तो ये पॉइंट्स आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाना, ताकि आपको बहुत ज्यादा वहां पे हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्टॉप एंड वेट की अगर हम बात करें तो सिंपल सा पॉइंट है स्टॉप एंड वेट का, कि एक फ्रेम को ट्रांसमिट करता है, उसके बाद ये वेट करता है एक्नॉलेजमेंट की। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती वापस, तब तक ये दूसरा फ्रेम सेंड नहीं करता। मतलब ओनली वन फ्रेम ट्रांसमिट एट ए टाइम, और फिर एक्नॉलेजमेंट की वेट करो, देन सेकेंड फ्रेम को सेंड करो। तो इससे होगा क्या, हम बहुत ज्यादा टाइम तक क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो यूटिलाइजेशन है, जो हम बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर रहे हैं, या एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा पुअर है इस केस में। तो अगर आपको कहीं पे भी ये पॉइंट आ जाता है इनमें से किसकी सबसे कम है एफिशिएंसी, वो बाय डिफॉल्ट स्टॉप एंड वेट की ही होगी, बिकॉज द रीजन इज कि ओनली वन पैकेट कैन बी ट्रांसमिटेड एट ए टाइम। देन सेंडर विंडो साइज, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि एक बार में एक पैकेट हम सेंड करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये सेंडर की विंडो है ये रिसीवर की, तो एक बार में एक पैकेट ही सेंड कर सकते हैं। तो विंडो का साइज एक से ज्यादा करने का मतलब ही नहीं है। विंडो मतलब कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, एक बार में मैं कितने विंडो, कितने पैकेट्स की एक विंडो को सेंड कर सकता हूं। जब मैं एक ही पैकेट या एक ही फ्रेम सेंड कर रहा हूं तो विंडो का साइज क्या होगा, वन, और रिसीवर की विंडो का साइज भी क्या है, वन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है थ्योरी में कि व्हाट इज द विंडो साइज ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, तो दोनों के केस में याद रखना वन वन। क्यों? क्योंकि एक फ्रेम ही हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। देन एफिशिएंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट इज 1/1 + 2x, वेयर x इज इक्वल टू प्रोपेगेशन डिले डिवाइड बाय ट्रांसमिशन टाइम। और एक्चुअल में ये एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंसी का फंडा क्या है, इट इज अ ट्रांसमिशन टाइम डिवाइड बाय ट्रांसमिशन टाइम प्लस राउंड ट्रिप टाइम। मतलब हमारा यूजफुल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो हम कितना टाइम यूजफुल कर रहे हैं, एक फ्रेम को सेंड करने में कितना ट्रांसमिशन टाइम लग रहा है, वो हमारा यूजफुल टाइम है, और टोटल टाइम कितना, ट्रांसमिशन टाइम प्लस राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है, 2 × प्रोपेगेशन डिले। तो चाहे आप 2 × प्रोपेगेशन डिले यहां पे लिख लो, या फिर आरटीटी लिख लो, एक ही बात है। और जब आप इसको टीटी को कॉमन लोगे तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद करके जाना, वेयर एक्स इज टीपी डिवाइड बाय टीटी। तो एक्चुअल में फंडा क्या है, यहां पे हम पूरे टोटल टाइम में सिर्फ एक फ्रेम सेंड कर रहे हैं, उसकी वजह से एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा पुअर है स्टॉप एंड वेट के केस में। देन रीट्रांसमिशन की बात करें, रीट्रांसमिशन हम कब यूज करते हैं, लेट से कि हमने एक पैकेट भेजा या एक फ्रेम भेजा और वो फ्रेम रास्ते में लॉस हो गया। अगर वो फ्रेम रास्ते में लॉस हो गया, या इन केस एक्नॉलेजमेंट लॉस होगी, या इन केस पैकेट करप्ट हो गया, कोई भी केस हो, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उस केस में सेंडर दोबारा से उस पैकेट को भेजेगा। रीजन क्या है, सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। जैसे हम पेटीएम यूज करते हैं या हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो जब तक हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तब तक हमें क्या लगेगा कि हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई। तो जब अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो मैं कुछ टाइम तक वेट कर रहा हूँगा, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम आउट टाइमर। तो ये टाइम आउट टाइमर तक की वेट करेगा, उसके बाद ये रीट्रांसमिट करेगा। तो रीट्रांसमिट कितने पैकेट्स को करेगा, एक पैकेट को। क्यों? क्योंकि भेजा भी तो एक ही पैकेट था, तो एक पैकेट को पहले भेजा था, अगर वो नहीं पहुंचा तो उसी को दोबारा से रीट्रांसमिट करेगा। सो देयर इज ओनली वन रीट्रांसमिशन, विच इज वेरी लेस इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट। और अगर छोटे मोटे पॉइंट इनमें और बात करें, तो अगर हम बोलें कि इसको अगर इंप्लीमेंट करना हो, इस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करना हो, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ही इजी है। इसमें कोई सर्चिंग, कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं यूज हो रहा, बहुत ही इजी सा मेथड है। और लास्ट पॉइंट इसमें अगर आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ, लेट से कि अगर मेरे पास सेंडर विंडो साइज 1 है, रिसीवर 1 है, तो मेरे को कितने सीक्वेंस नंबर्स चाहिए, तो अवेलेबल सीक्वेंस नंबर्स का फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, इट इज द सेंडर विंडो साइज प्लस
रिसीवर विंडो साइज, तो सेंडर की विंडो साइज है 1, रिसीवर की 1, तो अवेलेबल सीक्वेंस नंबर, मतलब मेरे को कितने सीक्वेंस नंबर चाहिए, 2 सीक्वेंस नंबर यहाँ पे चाहिए। देन हम बात कर रहे हैं गो बैक एन, गो बैक एन प्रोटोकॉल जो है वो आता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में। यहाँ पे एन क्या है, विंडो का साइज। यहाँ पे हमने चेंज क्या किया, हम बोल रहे हैं कि एक पैकेट को या एक फ्रेम को सेंड मत करो, हम एक पूरी विंडो सेंड कर रहे हैं और उस विंडो में मल्टीपल पैकेट्स या मल्टीपल फ्रेम्स हम एक बार में सेंड कर रहे हैं। तो अगर इसकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इससे बेटर हो जाती है, क्योंकि एक बार में हम ज्यादा फ्रेम्स को सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स, सेंडर विंडो साइज इसमें क्या लिखा है मैंने, 2^k-1। यहाँ पे के क्या है, K is the number of bits required to represent window size। कई बार क्या होता है ना, आपको पेपर में ऐसे आ जाता है कि विंडो साइज इज रिप्रेजेंटेड बाई 3 बिट्स, विंडो साइज इज रिप्रेजेंटेड बाई 4 बिट्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपको विंडो का साइज 3 बिट्स दे रखा हो, इट doesn't मीन कि विंडो का साइज 3 है। नंबर ऑफ बिट्स यूज हम कर रहे हैं 3 रिप्रेजेंट करने के लिए, तो साइज कितना हो गया, 2^3 विच इज 8। कैसे, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर इज 3, तो कितने नंबर हो सकते हैं, 001 से लेके 111, मतलब 0 से 7, तो 0 से 7 कितने नंबर्स होते हैं, 8। तो अगर आपको नंबर ऑफ बिट्स दे रखी हो तो आप याद रखना 2^ में उसको कर लो। नाउ यू कैन से व्हाट इज द विंडो साइज, 8। यहाँ पे अवेलेबल सीक्वेंस नंबर्स हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए, लेकिन विंडो साइज कितना है सेंडर का, 2^k-1, मतलब आपका जो भी विंडो साइज आया है उसमें से एक कम कर दो, वो आपका क्या बन जाएगा, सेंडर की विंडो। तो चाहे आप इसको 2^k-1 लिख लो, या फिर 2^k की वैल्यू जो आपकी आ गई उसको आप एन बोल सकते हो, एन इज द विंडो साइज, तो एन माइनस वन भी लिख सकते हो, n-1 लिख लो या 2^k-1 लिख लो, दैट इज योर विश। लेकिन मैं 2^k इसीलिए लिख रहा हूं, आप कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार वो विंडोज का साइज डायरेक्ट देने के बजाय कि विंडो का साइज 8 है, 16 है, 32 है, वो दे देते हैं द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड। तो नंबर ऑफ बिट्स के केस में आपको कुछ नहीं करना, 2^ में k कर लो, जो आया आंसर वो n है, और n क्या है, टोटल सीक्वेंस नंबर्स, और विंडो का साइज क्या होगा गो बैक n में, 2^k-1 या n-1, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। तो रिसीवर की विंडो का साइज कितना है, 1। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हो सकता है मैं एक बार में अगर मैं k की वैल्यू को 3 ले लेता हूं, तो यहां पे सेंडर का विंडो साइज कितना हो गया, 7। क्यों, 2^3, 8-1 करोगे तो क्या आ गया, 7। मतलब सेंडर एक बार में 7 फ्रेम भेज रहा है, भेजता रहे, रिसीवर एक बार में एक फ्रेम को ही एक्सेप्ट करेगा। तो कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या गो बैक एन में आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट एक्सेप्ट हो सकते हैं, नहीं, हमेशा पैकेट इन ऑर्डर ही एक्सेप्ट होंगे। रीजन उसका यही है कि जो रिसीवर की विंडो साइज है वो कितनी है, 1 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी जो हमारी नॉर्मल है 1/(1+2x), जो हमारी नॉर्मल केस में थी, लेकिन इसमें हम एक बार में एक पैकेट नहीं भेज रहे, इसमें हम एक बार में 2^k-1, विच इज द सेंडर विंडो साइज, सेंडर विंडो साइज। तो सेंडर विंडो साइज जितनी भी आ रही है आपकी, लेट्स से इस केस में 7 आ रही है, तो 7 × इस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू। अगेन यहां पे x क्या है, प्रोपेगेशन डिले या प्रोपेगेशन टाइम डिवाइड बाय ट्रांसमिशन टाइम। तो अगर आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं, आप इसमें पुट करो और आपका आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। देन यहाँ पे हम कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब है, लेट से मैंने पैकेट भेजा 1, 2, 3, 4, तो एक्नॉलेजमेंट हमेशा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट की होती है। ये पॉइंट आप याद रखना कि जब भी हम, लेट से मैंने फ्रेम नंबर भेजा 1, 2, 3, तो जब ये 1, 2, 3 रिसीवर के पास रिसीव हो जाएंगे, तो ये एक्नॉलेजमेंट क्या भेजेगा, ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट की। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट का मतलब है कि ओके 1, 2, 3 मेरे पास आ गए, अब मुझे फ्रेम नंबर 4 चाहिए, नेक्स्ट वाला चाहिए, तो एक्नॉलेजमेंट हमेशा हम नेक्स्ट भेजते हैं। यहां पे हम कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट को यूज करते हैं, इससे फायदा क्या है, नेटवर्क में जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। मतलब कि मेरे को पता है मैंने रोज दिल्ली
ये जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ से अगर दिल्ली रोज 100 पैकेट भेज रहा हूँ, एक ही जगह पे 100 पैकेट भेज रहा हूँ, तो एक तो क्या हो सकता है कि मैं एक पैकेट भेजूँ दिल्ली से मेरे को एक्नॉलेजमेंट आ जाए, फिर दूसरा पैकेट एक्नॉलेजमेंट, फिर तीसरा पैकेट। तो बेटर सिचुएशन क्या हो सकती है, मैं एक बार में 100 पैकेट भेजूँ या एक एक करके 100 पैकेट भेजूँ, मेरे को एक एक्नॉलेजमेंट आ जाए कि सारे पैकेट रिसीव हो गए। इसकी वजह से क्या होगा, नेटवर्क में ट्रैफिक कम हो जाएगा। नेक्स्ट रिट्रांसमिशन। रिट्रांसमिशन तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज्यादा होंगी। रीजन क्या है कि अगर गो बैक एंड के केस में लेट्स से 1, 2, 3, 4 पैकेट्स मैंने भेज दिए, 4 फ्रेम्स मैंने भेज दिए, रिसीवर कहता है मैं तो एक बार में एक को ही एक्सेप्ट करूंगा, चाहे पहले 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, मैं सबसे पहले 1 को एक्सेप्ट करूंगा। लेट्स से 1 रास्ते में क्या हो गया, लॉस। रिसीवर क्या कहेगा, मेरे को तो 1 चाहिए। 2 आके खड़ा है वहां पे, 2 कहता है मेरे को एक्सेप्ट कर ले, ये कहेगा नहीं। 3 कह रहा है मेरे को, ये कहेगा नहीं। 4 कह रहा है मेरे को नहीं, क्यों, क्योंकि इसको क्या चाहिए, क्या 1। तो इस केस में होगा क्या, 2, 3, 4 जो इसके पास पहुंच गए थे वो भी क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो दोबारा से पूरी विंडो भेजेंगे, मतलब जितने पैकेट्स मैंने पहले भेजे थे उतने ही रिट्रांसमिट करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम कितने पैकेट भेजे थे, 7, वो कहां से निकाला, 2^k-1। तो मैक्सिमम 2^k-1 विच इज द साइज ऑफ विंडो, पूरी विंडो दोबारा भेजनी पड़ सकती है। तो रिट्रांसमिशन सबसे ज्यादा है गो बैक एन के केस में। देन अगर हम सेलेक्टिव रिपीट की बात करें तो सेलेक्टिव रिपीट में भी हम मल्टीपल फ्रेम्स भेजते हैं। सेलेक्टिव रिपीट एक्चुअल में इन दोनों का मिक्स वर्जन है, मिक्स वर्जन है। मल्टीपल फ्रेम्स वो कहता है भेजो एक बार में, लेकिन सेंडर की विंडो साइज और रिसीवर की विंडो साइज इसमें क्या होती है, सेम। दोनों की विंडो साइज जो है वो है बराबर, और विंडो साइज है क्या, 2^k-1, और रिसीवर की 2^k-1। यहां पे ध्यान रखना माइनस वन ऊपर ही है, यहां पे माइनस वन नीचे है। तो यहां पे अगेन k क्या है, नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिक्वायर, यूज्ड टू रिप्रेजेंट। तो अगर मैं k की वैल्यू 3 ले लूं तो कितना अवेलेबल सीक्वेंस नंबर्स कितने हो जाएंगे, सीक्वेंस नंबर हो जाएंगे 8। सीक्वेंस नंबर 8 हो गए तो यहां पे सेंडर की विंडो साइज कितनी हो जाएगी, 4। आप 2 अगर 3 वैल्यू को यहां पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4, और रिसीवर की विंडो साइज भी क्या हो जाएगी, 4। इससे हमें फायदा क्या हुआ, इससे हमें फायदा हुआ मेजर क्या, कि ये आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को भी एक्सेप्ट कर सकता है। रीजन, मैंने 4 फ्रेम भेजे, वो भी 4 को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर इन केस पहला नहीं आया, दूसरा पहले पहुंच गया, तीसरा पहले पहुंच गया, वो बोलेगा आ जाए, क्यों, क्योंकि उसके पास जगह खाली है, उसके पास चारों पैकेट्स को एक तरह से एक्सेप्ट करने की जगह खाली पड़ी है। लेट्स से पैकेट नंबर 2 पहले आ गया, वो बोलेगा अच्छा 2 आ गया, कोई बात नहीं, 2 को मैं यहां डाल देता हूं, 1 यहां पे आएगा, जब आएगा मैं डाल दूंगा। लेकिन यही गो बैक एंड में प्रॉब्लम थी, उसमें जो रिसीवर सिर्फ एक डिब्बा है उसके पास, तो जितने मर्जी पैकेट आ जाएं, वो जिस पे अड़ा हुआ है कि वो कह रहा है कि मेरे को पहला ही पैकेट चाहिए, तो उसको पहला ही देना पड़ेगा। तो यहां पे आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट एक्सेप्ट होंगे, आउट ऑफ ऑर्डर कैन बी एक्सेप्टेड, और उसी की वजह से हमारी रिट्रांसमिशन जो है वो बहुत कम हो जाएंगी, या कह सकते हो इक्वल टू 1 हो जाएंगी। रीजन, जो पैकेट लॉस होगा मैं सिर्फ उसी को भेजूंगा, सिर्फ उसी पैकेट को। तो रिट्रांसमिशन ऑफ दिस एंड स्टॉप एंड वेट इज सेम। नेक्स्ट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यहां पे क्या है, 2^ अगेन k-1 विच इज द साइज ऑफ विंडो, सेंडर विंडो साइज। तो जितना हम पैकेट्स भेज रहे हैं, जितने फ्रेम्स एक बार में भेज रहे हैं, इनटू फार्मूला वही है, 1/(1+2x) वेयर x इज प्रोपेगेशन डिले डिवाइड बाय ट्रांसमिशन टाइम। तो सेलेक्टिव रिपीट इस केस में बहुत ही बेटर है, इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है और रिट्रांसमिशंस कम है, और ये कम्युलेटिव और इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट दोनों को यूज करता है। कम्युलेटिव का मतलब है पैकेट नंबर 1, 2, 3, 4 आए तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है लेट्स से 5, तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर 5 भेज देगा। और अगर इंडिपेंडेंट भी भेजना चाहता है, लेट्स से पैकेट नंबर आए 1, 2, 3, ये चाहता है कि मैं सबके अलग अलग एक्नॉलेजमेंट भेजूं, तो ये इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट भी भेज सकता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको बता देता हूं, ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को भी भेज सकता है। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि लेट्स से सेंडर ने पैकेट भेजा, फ्रेम भेजा, और रिसीवर के पास आ गया, रिसीवर ने चेक किया उसको, उसको लगा कि इसमें तो एरर है, कोई 1 बिट एरर या 2 बिट एरर है,
तो वो क्या करेगा, उसी केस में वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट से फायदा क्या होगा कि सेंडर को बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज सेंडर कितना वेट करेगा, टाइम आउट टाइमर तक, टाइम आउट टाइमर तक वेट करेगा, और फिर उसको पता लगेगा कि अरे पैकेट की एक्नॉलेजमेंट तो आई नहीं, मैं पैकेट को दोबारा भेज देता हूं। लेकिन नेगेटिव के केस में क्या होगा, वो पहले ही बता देगा सेंडर को कि सेंडर तेरे पैकेट में गड़बड़ी है, पैकेट को दोबारा भेज। तो उस केस में यहां की बजाय वो यहीं से पैकेट को ट्रांसमिट कर देगा, तो उससे हमारे पास टाइम की थोड़ी सी सेविंग है। तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को ये एक्चुअल में फॉलो करता है सेलेक्टिव रिपीट। तो ये मेजर जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे रिगार्डिंग स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट। सेलेक्टिव रिपीट को इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है इन केस ऑफ अगर हम कोडिंग की बात करें, क्यों, क्योंकि इसमें सर्चिंग और सॉर्टिंग दोनों यूज होते हैं। हमें जो पैकेट लॉस हुआ उसको सर्च करना पड़ेगा और उसी को दोबारा से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो सर्चिंग वगैरह है वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और सॉर्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, इसीलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है। लेकिन जो मेजर पॉइंट है रिलेटेड टू विंडो साइज एंड एफिशिएंसी, सो दिस इज व्हाट द मेजर कंपैरिजन बिटवीन दीज थ्री प्रोटोकॉल्स। थैंक यू।